स्वागत है आपका आपके इंटरनल चैनल जीएम डेकोड पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलाबेस्टर शीट की। या दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, एलाबेस्टर शीट आजकल लेटेस्ट इंटर प्लानिंग में काफी ज्यादा काम में ली जाती है, चाहे वो सीलिंग हो, चाहे वो हमारा काउंटर हो, चाहे वो बेड हो, कई जगह एलाबेस्टर शीट काम में ली जाती है। क्या ये प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या इसकी यूटिलिटी है, पूरे इस वीडियो में हम समझने के। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों एलाबेस्टर एक कैल्शियम या फिर जिप्सम प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसलूसेंट उसका नेचर होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब हुआ पीछे से जो भी रोशनी आएगी वो पार होकर हमें बाहर की तरफ दिखेगी। ये बारीक व्हाइट दानेदार फॉर्म में एज ए रॉ मटेरियल आता है। एलाबेस्टर शीट बनाने के लिए इसको मशीन के द्वारा शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों एलाबेस्टर प्रोडक्ट का बहुत ही नेचुरल लुक आता है, इसलिए मॉडर्न इंटीरियर में काफी ज्यादा प्रचलित है। हमें लगता है कि कोई पत्थर की शीट हो या पत्थर का टुकड़ा हो, बट ये पत्थर होता नहीं है। और अगर हम वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो पत्थर से लगभग 2/3 ये कम होता है, लाइट वेट रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। इसको हम आसानी से राउटिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया ट्रांसलूसेंट भी होता है, मतलब पीछे से कोई अगर हम रोशनी डालेंगे तो वो क्रॉस करके हमें आगे की ओर भी बहुत ही नेचुरल लुक के साथ दिखाई देगी। इस कारण मॉडर्न इंटीरियर में काफी ज्यादा ये यूज में आता है, कई जगह काम में लेते हैं। सीलिंग में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं इसको, आपने कई जगह होटल्स में, पब में और रेस्टोरेंट में भी इसको, जो हमारे काउंटर है वहां पे आपको इसको लगा हुआ देखा होगा। बेड बैग के अंदर काफी काम में लेते हैं, डबल बेड के अंदर काम में लेते हैं, लिविंग एरिया में टीवी पैनल के अंदर काम में लेते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल एक और बहुत ही अच्छा लुक हमें प्रोवाइड करता है। तो ये एलाबेस्टर शीट मॉडर्न इंटीरियर में काफी ज्यादा काम में ली जा रही है। इसकी यूजेस इंटीरियर के साथ में एक्सटीरियर में भी है, जैसे हमें कोई नेम प्लेट बनानी हो तो वहां इसको काम में ले सकते हैं। कोई एक्सपोज करती हुई हमें तस्वीर बनानी है मंदिर में, जी हाँ दोस्तों, मंदिर के अंदर भी एलाबेस्टर शीट की तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी बनती है, वहां पे भी एलाबेस्टर शीट काम में ले रहे हैं। एक्सटीरियर ग्रेड की कोई हमें एक्सटीरियर वॉल बनानी है तो वहां पे भी हम इसको काम में लेते हैं। तो कई तरह के यूज इसके हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या थिकनेस इस प्रोडक्ट की आती है। तो दोस्तों ये 1.5 mm से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 1.5 mm से लेकर लगभग 12 mm तक के मार्केट में इजिली मिल जाते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लगभग 9 mm का पीस है। एक ये कैटलॉग में आप देख रहे हैं, ये मैं लेके आया हूं, इसमें 1.5 mm थिकनेस का पीस है। तो 1.5 mm से लेकर और 12 mm तक के एलाबेस्टर शीट मार्केट में मिल जाती है। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो 8x4 की शीट लगभग 5,000 रुपए से लेकर और 12,000-15,000 तक की शीट मार्केट में मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कलर्स पैटर्न उसके अंदर दिए गए हैं, किस तरह की थिकनेस उसकी और क्या उसकी क्वालिटी है। दोस्तों जब इनिशियली प्रोडक्ट ये मार्केट में आया था तो केवल कुछ ही तरह के पैटर्न इसके अंदर मिलते थे, पर जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है और आप देखेंगे अनेक तरह के कलर पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए पूरा स्टोन लुक इसको दे दिया गया है। ये होता क्या है दोस्तों, जब एलाबेस्टर के रॉ मटेरियल को शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसी के अंदर कलर मिक्स करके, ह्यूज मिक्स करके इसको मनचाहा पैटर्न दे दिया जाता है। तो अनेक तरह के एलाबेस्टर के पैटर्न मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं जो आपके इंटीरियर प्लान के अकॉर्डिंग मैच करते हुए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने एलाबेस्टर के बारे में समझा, अब इसके मेंटेनेंस क्या है। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता इसको नहीं होती है, केवल दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भारी चीज, कोई निकोली नुकीली चीज से टकराए नहीं ताकि वो क्रैक नहीं मार जाए। दूसरा हमें जिस जगह ज्यादा थिकनेस काम में लेनी चाहिए वहीं लेनी चाहिए, जैसे मान लो जहां पे फुटफॉल ज्यादा हो, जहां पे लोग टच इसको ज्यादा करते हो तो आप वहां पे 12 mm काम में लीजिए। कोई सीलिंग में आपको लगानी है जहां पे कोई इसको टच नहीं कर सकता है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो वहां पे आप 1.5 mm और 3 mm भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस का प्रोडक्ट आप काम में ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, डायरेक्ट तेज धूप में ये संपर्क में नहीं आए, डायरेक्ट तेज धूप से या तेज गर्मी से ये प्रोडक्ट थोड़ा सा रफ हो जाता है, उसकी शाइनिंग खराब हो जाती है। इसकी रेगुलर क्लीनिंग करते रहिए, क्लीनिंग करते समय रफ कपड़ा हमें काम में नहीं लेना है, सॉफ्ट कपड़े से इसके आप क्लीनिंग करिए ताकि इसकी चमक बनी रहेगी और जो पीछे से हम लाइट इसमें डाल रहे हैं वो हमें प्रॉपर दिखाई देगी और इसके अंदर जो पैटर्न दिए हुए हैं वो भी हमें लाइट डालने के बाद प्रॉपर दिखाई देगी। तो दोस्तों एलाबेस्टर यूज करके भी आप मॉडर्न इंटीरियर प्लान में काफी अच्छा लुक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों
हम भी आपके इंटीरियर प्लान में आपकी सहायता कर सकते हैं, चाहे आपको किचन बनाना हो, आपका लिविंग रूम बनाना हो, बेडरूम बनाना हो, सभी तरह के स्पेस के लिए हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस अवेलेबल है। यदि आप हमसे इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप करें और हमसे बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आप इंटीरियर डिजाइनिंग करवा सकते हैं। इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स देखने के लिए, इंटीरियर से रिलेटेड नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।